हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप साहब? आई होप ठीक होंगे। वीडियो आपको देने वाला हूं। तो गाइज यार, बात करते हैं जापान की। जापान में जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे है, तरक्की पे है, जहां पे लोग टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे हैं, वहां पे ये भी एक ऐसा भी माहौल है। सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग आपको जापान में मिलेंगे। जापान में 50,000 से ज़्यादा लोग 100 साल प्लस हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, जापान में एक ऐसा गांव है जहाँ पे लोग 80-90 लोग ऐसे हैं कि जो है 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 साल प्लस ऐसे लोग जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। उस गांव का नाम है ओकिनावा। जापान में नाहा एक आइलैंड है। आइलैंड पर ओकिनावा एक गांव है। वहाँ पे जो लोग 100 साल से ऊपर जी रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे है, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग अपने जीवन को, आप लोग सोच रहे हैं कि जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जीने वाले, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जीने वाले लोग जापान में ही आपको मिलेंगे। पूरे जापान में करीबन 40-50 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो कि 100 साल से ऊपर हैं, 100 साल से एजेड हैं। ओकिनावा में वो लोग, वजह क्या है उनकी जीने की, वो लोग जो है घर के बाहर गार्डनिंग करते हैं, ताज़ी सब्जियां उगाते हैं और उसको कच्ची भी खाते हैं। सुबह सुबह उठकर कच्ची भी खाते हैं कि वो लोग जो है दो टाइम खाना खाते हैं। उनके जीने की वजह ये है कि वो लोग दो टाइम खाना खाते हैं, मतलब सुबह को जो है 8 बजे खाएंगे, फिर उसके बाद शाम को 9 बजे खाएंगे। ये है उनकी जीने की वजह। आप लोग सोच ही सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है बहुत कम ही लोग होंगे जो 100 साल प्लस हैं। हर एक गांव में तो नहीं मिलेंगे, करीबन 4-5 गांव मिला लें तो वहां पे एक न एक लोग मिल ही जाते हैं करीबन। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सिर्फ एक ही गांव में 100 साल से ज़्यादा जी रहे हैं लोग। सोचने वाली बात है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश 50 साल पीछे है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब जीवन जीने की शक्ति लोगों के अंदर है, आप सोच सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।